हेलो फ्रेंड, मैं आकाश। वेलकम टू प्लांट केयर कीपर। आज मैं अपने गार्डन का एक ब्लॉग वीडियो लेकर आया हूं और इसमें मैं काफ़ी कुछ कवर करने वाला हूं। तो ये एक डेविस पैकबोन का प्लांट है, देख सकते हैं लगी तो काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, लेकिन कंटेनर इसका बहुत ही ख़राब है। ये मैंने लोहे की जो पेंट की 1 लीटर का बकेट आता है उसमें मैंने ग्रो किया है। पूरी तरह से ये जंग खा चुका है, अब ख़राब ही होने वाला है। जब तक चल रहा है तब तक मैं इसे चला रहा हूँ। फ़िलहाल मैं इसकी आज कटिंग ग्रो कर रहा हूँ, और जब मैंने पहली बार इस ग्रीन वैरायटी को ऐड किया था अपने गार्डन में तब इसी कंटेनर में मैंने ग्रो किया था, और इसी कंटेनर से कटिंग लेकर मैंने काफ़ी सारे अब इसके प्लांट तैयार कर लिए हैं। तो इस तरह की 3 कटिंग को मैंने लिया है, और ये पॉलीथीन आज मैंने सफाई किया था गार्डन की, तो ये मुझे कोने में लगे हुए मिल गए थे। जब भी मैं कोई प्लांट नया ऐड करता हूँ तो इससे मैं फाड़ता नहीं हूँ, कंटेनर के बीच में ही रख देता हूँ। तो जब कभी सफाई होती है गार्डन की तब मुझे ये मिल जाते हैं, तो मैं इन्हें यूज़ कर लेता हूँ। और ये हरजोड़ का प्लांट है, इसकी भी मैंने काफ़ी सारी कटिंग लगा रखी है। तो इस तरह के जब वेस्ट कंटेनर मुझे कहीं पर मिल जाते हैं, वेस्ट कंटेनर कहें या वेस्ट पैकेट कहें, तो इस तरह के जब कुछ मिल जाता है तो मैं उनमें कटिंग ग्रो कर लेता हूँ। और कुछ दिनों बाद मेरी इंटर्नशिप भी लगने वाली है, तो वहाँ पर ये काम आएंगे लगाने के लिए। स्कूल वगैरह में जब भी प्लांट वगैरह मंगाया जाता है तो मैं ढेर सारे प्लांट इसी तरह के पॉलीबैग में जो लगे हुए रहते हैं वो मैं ले जाता हूँ। तो देख सकते हैं यह हरजोड़ मैंने कुछ दिन पहले ही ग्रो किया था, और इसमें बहुत बढ़िया रूट आ चुकी है। अभी खींचने पर काफ़ी सारी रूट टूटी भी होंगी, उसके बावजूद भी काफ़ी अच्छी रूट इनमें बन चुकी हैं। इसके अलावा ये अजवाइन प्लांट, इसकी भी मैं कटिंग ग्रो कर लूँगा। इस तरह के जो आयुर्वेदिक प्लांट होते हैं, अजवाइन हो या पतझट्ठा हो या फिर लेमन ग्रास हो, सभी को बहुत पसंद आते हैं। देख सकते हैं इसमें तो एरियल रूट आए हुए हैं, तो इसी भी मैं इस तरह के पॉलीथीन में ग्रो कर रहा हूँ, और इससे भी मैं जब कभी काम आएगा तो मैं उन्हें दे दूँगा। तो इस पॉलीथीन को आपको भी फेंकने की ज़रूरत नहीं होती है, आप संभाल के बिना पॉलीथीन को फाड़े ही प्लांट को बाहर निकाल सकते हैं, और इन पॉलीथीन में पर्सलिन, पोर्चुलाका या फिर इस तरह की कटिंग ग्रो कर लेते हैं, और किसी को देना हो तो पॉलीथीन के साथ उन्हें आप दे सकते हैं। क्योंकि कई बार जब हम इस तरह से प्लांट निकाल कर किसी को देते हैं और जिसको प्लांट की कोई भी नॉलेज नहीं होती है, तो उनसे ये प्लांट ख़राब हो जाते हैं। तो देख सकते हैं इसमें भी बहुत ही बढ़िया रूट आ चुकी है, और एक से ज़्यादा मैंने लीफ नोट को दबाया था तो बहुत ही आसानी से ग्रो हो गया था। और ये अजवाइन मैंने कुछ ही दिन पहले वीडियो आपके ग्रो किया था, वीडियो भी आपके साथ शेयर किया था। देख सकते हैं इसमें तो रूट दिखाई भी देने लगी हैं। तो इससे जितने भी मैं आज इन प्लांट को निकाल रहा हूँ दूसरे कंटेनर से, मैं इनके लिए एक छोटे कंटेनर में मैं इन सभी को ग्रो करने वाला हूँ, और वॉल पर उन कंटेनर को अटैच करने वाला हूँ। और ये अरेबियन वैक्स आई भी देख सकते हैं, इसमें भी बहुत ही बढ़िया रूट आ चुकी है। देखने पर लग नहीं रहा था कि ये ग्रो हो रहा है, सूखी सूखी सी पत्ती थी, फिर भी देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया रूट इनमें आ चुकी हैं। और ये है पर्पल हार्ट, इसमें तो बहुत ही बढ़िया रूट आ चुकी हैं, ये तो बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है। वैसे इस वीडियो में मैंने आपको अभी तक जितने भी प्लांट दिखाए सभी कटिंग से बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाते हैं, और बिगनर्स हो तो आप इन प्लांट को अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करिएगा। तो देख सकते हैं ये ग्लास भी अब खाली हो चुका था, तो मैं इसे फेंकूंगा नहीं और इसमें दोबारा से कटिंग ग्रो कर लूँगा। तो इस तरह के इतने सारे एक्स्ट्रा पत्तों को मैंने हटा दिया है, और जब ये जेट प्लांट अच्छे से ग्रो हो जाएगा तो मैं इस जेट प्लांट को किसी दूसरे कंटेनर में ट्रांसप्लांट कर दूंगा, और इस ग्लास को मैं दोबारा से यूज़ कर लूँगा। और देख सकते हैं ये कनेर का प्लांट है, काफ़ी बढ़िया ब्लूमिंग हो रही है। तो इस तरह से जो बड़े कंटेनर होते हैं उनमें जो स्पेस होता है उसी में मैं ये पॉलीथीन या फिर ग्लास वगैरह मैं रख देता हूँ, ताकि मैं पानी डालना ना भूलूँ। और जो एक्स्ट्रा, क्योंकि ये पॉलीथीन में लगा हुआ है तो पानी के साथ मिट्टी भी कई बार बाहर आ जाता है और गार्डन को गंदा करता है, इसीलिए आप इन्हें इसी तरह से दूसरे कंटेनर में ही रखिएगा। और ये कुछ मैं स्टिक लेकर आया हूँ, ये मैं अभी फ़िलहाल तोड़ कर लाया हूँ अपने अनार के ट्री से, क्योंकि ये
देख सकते हैं ये बीन्स के प्लांट हैं और काफ़ी लैगी हो चुके हैं, और एक साथ काफ़ी सारे जब प्लांट होते हैं तो कीड़ों का अटैक भी काफ़ी बार हो जाता है, तो इसमें भी नीचे के पत्ते काफ़ी ख़राब हैं। तो इस पर मैं स्टिक लगाकर इन्हें ऊपर इन बीन्स को चढ़ा दूंगा ताकि नीचे प्लांट कम हो तो कीड़ों का अटैक से ये बचे रहें, और काफ़ी बड़े हो गए हैं और स्टिक मैंने नहीं लगाया था, नहीं तो ये और लैगी हो जाते। जब इस तरह की स्टिक हम लगा देते हैं तो ये जो बेल वाले या फिर हैं वाइन वाले प्लांट होते हैं वो और भी तेज़ी से ग्रो करते हैं। 10 रुपीज़ में मैं इसके बीज लेकर आया था अपनी लोकल शॉप से, और देख सकते हैं कैलेशिया प्रेगनेंस का प्लांट, और इसकी 2 कटिंग में किसी सोसाइटी के बाहर लगा हुआ था तो लेकर आया था। तो देख सकते हैं पहली भी ग्रो हो गई है और ये दूसरी भी ग्रो हो गई है। इनकी जो ग्रोइंग पॉइंट होते हैं देख सकते हैं स्पाइडर प्लांट की तरह, इसमें भी इस तरह के रनर आते हैं तो उनसे पता चल जाता है कि ये ग्रो हो गया है। और देख सकते हैं ये पता चलता है कि एक पत्ता मैंने रखा था, इसमें भी प्लांट बनने लगे हैं। तो ये सभी प्लांट आप अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करिए। और देख सकते हैं ये मेरा करेले का प्लांट है, काफ़ी बढ़िया से ग्रो कर रहा है, लेकिन देख सकते हैं बारिश हुई नहीं और सभी कंटेनर में पानी था, लेकिन इसमें काफ़ी सारे प्लांट लगे हुए हैं तो पानी काफ़ी पहले सूख गया था तो मुझे पता नहीं चला, तो ये काफ़ी पीला हो गया है 1-2 दिन में ही। और देख सकते हैं ये भी काफ़ी लैगी हो गया था, लेकिन स्टिक मैंने नहीं इस पर लगाया था तो ये काफ़ी स्लो ग्रो कर रहा था। तो फिलहाल मैं इसे इस स्टिक पर लगा दे रहा हूँ, और जितने भी प्लांट है कल मैं सभी को इस कंटेनर से हटा दूँगा ताकि ये करेले का प्लांट अच्छे से ग्रो कर पाए। इसके अलावा ये मॉर्निंग ग्लोरी हैं, मॉर्निंग ग्लोरी के प्लांट हैं, ये भी खुद ब खुद इस साल ग्रो हो गए थे क्योंकि इसी कंटेनर में लास्ट ईयर मॉर्निंग ग्लोरी के प्लांट लगे हुए थे। तो सीड ये गिर जाते हैं तो अपना सीज़न आने पर ये खुद ब खुद ग्रो हो जाते हैं और इस तरह से बढ़ने लगते हैं। और ये ब्लू कलर का है, मल्टी कलर में नर्सरी से लेकर आया था, 2 बार मैं लेकर आया और दोनों बार मैंने पता नहीं उन सीड को कहाँ पर रख दिया, वो मुझे मिल ही नहीं रहे हैं। और देख सकते हैं इस पर भी काफ़ी काफ़ी सारी वीड लगी हुई हैं, और ये बहुत ही जल्दी बारिश में ग्रो कर जाता है। आप आज निकालेंगे और 5वें दिन आप देखेंगे तो फिर से ये इतनी बड़ी हो जाती हैं, तो इन्हें आप समय समय पर निकालते रहिए, खासकर ये पर्सलिन और पोचुलाका में तो काफ़ी सारी वीड इस तरह से निकल आती हैं। और ये है वाटर स्पिनच का प्लांट, 2 साल पहले मैंने अपने गार्डन में जो बाज़ार में वाटर स्पिनच मिलता है उससे मैंने ग्रो किया था, और अब तो ये हर साल सीज़न आने पर इनकी रूट ज़मीन में रहती हैं, विंटर में ख़राब हो जाता है लेकिन सीज़न आने पर खुद ब खुद ग्रो हो जाता है। कटिंग से ग्रो करने के लिए आप इस तरह की कटिंग ले लीजिए, और ये इस टाइम मार्केट में मिल भी रहा है, अगर आप चाहें तो मार्केट से इसे ला कर अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं, और एक बार ही इस प्लांट को ऐड करने की ज़रूरत पड़ती है, फिर तो ये सालों साल आपके गार्डन में बना रहता है और 1-2 मंथ बाद इस पर बहुत ही बढ़िया ब्लूमिंग भी होती है। और हाँ, ये वाटर स्पिनच इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये दलदली जगहों पर अच्छे से ग्रो करता है, तो आप भी जब इसे अपने गार्डन में ऐड करें तो पानी डालना मत भूलें, नहीं तो ये ख़राब हो जाता है। पत्ते इसके सूख जाते हैं, प्लांट तो हमेशा ही आपके गार्डन में ऐड रहेगा क्योंकि ये बहुत ही हार्डी प्लांट होता है। तो ये था मेरा आज का वीडियो, आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।